हेलो दोस्तों, हेल्प टेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ठीक, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आप कमेंट जरूर जरूर करें, इससे आने वाले से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप कमेंट जरूर जरूर करें, ठीक। हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्प टेकर चैनल में आपको स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के होमगार्ड समाचार को हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है, लखनऊ समेत न्यू जिंगल के आराम। देखिए, होमगार्ड कमांडेंट समेत पूरा स्टाफ धरने पर बैठा। देखिए यहाँ पे उत्पीड़न का आरोप का मामला सामने आया है, होमगार्ड के ऊपर उत्पीड़न के आरोप का मामला सामने आया है, जिसको देखते हुए पूरा होमगार्ड स्टाफ धरने पर बैठ चुका है। देखिए यहाँ पे जिला व मंडी कार्यालय में कई घंटे कामकाज रहा अटक, होमगार्ड कमांडेंट समेत पूरा स्टाफ धरने पर बैठा। जेल भेजने की धमकी दिए जाने से नाराज होमगार्ड जिला व कमांडरी कमांडेंट के अधिकारी और कर्मचारी शुक्रवार को धरने पर बैठ गए। डीआईजी के समझाने के बाद धरना समाप्त किया गया। धरने पर बैठे जिला कमांडेंट समेत अन्य अधिकारियों व होमगार्ड जवानों ने मुख्यालय में तैनात स्टाफ ऑफिसर प्लाटून कमांडेंट जनरल प्रतिभा अम्बेडकर पर उत्पीड़न लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रतिभा अम्बेडकर को एक हफ्ते में विभाग से हटाया जाए, अन्यथा लखनऊ के सभी अधिकारी व होमगार्ड जवान अनिश्चितकालीन धरना देंगे। करीब चार घंटे बाद मुख्यालय से पहुंचे डीआईजी रंजीत सिंह ने काफ़ी मनाने के बाद धरना समाप्त किया। सोमवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे गोमती नगर के खरगापुर स्थित होमगार्ड के जिला कमांडेंट विनोद कुमार द्विवेदी स्टाफ के साथ धरने पर बैठ गए। कुछ ही देर में मंडली कमांडेंट कार्यालय के अधिकारी व होमगार्ड भी समर्थन में आ गए। उन्होंने मुख्यालय में तैनात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रतिभा अम्बेडकर के खिलाफत शुरू कर दी। आरोप लगाया कि वह दस्तावेज मांगना हो या अन्य कई काम के लिए सबको बेवजह डांटती है और जेल भेजने की धमकी देती है। शुक्रवार को धमकी देने के एक मामले के बाद जिला कमांडेंट विनोद कुमार द्विवेदी, इंस्पेक्टर एनएस सिंह, उदय बहादुर वर्मा के साथ हक और रणधीर बाबू समेत पूरा स्टाफ धरने पर बैठ गया। तो देखिए, पूरी न्यूज़ निकल कर आ रही थी जिसको मैंने कवर किया। एजर का भुगतान कब से होगा? मार्च के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा एजर का भुगतान। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे आने में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।